नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर गुरुवार को शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद को बिहारी राष्ट्रपति कहे जाने की बात बताई है और उन्होंने कहा कि बिहार में उन्हें घर जैसा एहसास होता है। इस अवसर पर उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की धरती बताया और कहा कि बिहार का छठ महापर्व ग्लोबल हो गया है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने इंटरनेट मीडिया पर अपना मजाक उड़ाने वालों को आगाह किया है। उन्होंने बुधवार को अपने फेसबुक वॉल पर मात्र एक लाइन का संदेश लिखा, जिसमें कहा गया है कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ और हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तेज प्रताप ने यह चेतावनी किसे दी है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल करने वालों को आगाह किया है। अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी है नीतीश कुमार। इस सरकार ने अकलियत समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। 2005 से अभी तक अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जितना उत्थान हुआ है, उसके लिए बिहार के सीएम साधुवाद के पात्र हैं और ये बातें आरसीपी सिंह ने कही है। बिहार के सराफा मंडियों में शारदीय नवरात्र समाप्त होने के बाद दीपावली से लेकर छठ तक सोने चांदी की बिक्री चमकने की उम्मीद है। आभूषण दुकानदार अच्छी उम्मीद के आस में ग्राहकों के लिए रंग बिरंग के आभूषण तैयार कर रहे हैं। इस बार बाजार में अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई गई है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर कृष्णा सिंह की आज जयंती है और श्री बाबू की जयंती पर उन्हें आज प्रदेश श्रद्धांजलि दी गई है। उन्हें जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में एनसीबी की टीम पहुंची। एनसीबी की टीम वहीं सर्च कर रही है। बता दें कि आज ही शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर जेल गए थे। मन्नत में शाहरुख खान भी मौजूद थे। वहीं एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर भी पहुंची है। अनन्या पांडे मशहूर अभिनेता चंकी पांडे की बेटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने साथ तस्वीरें लेने वाली महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करने पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रियंका ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी आदित्यनाथ जी इतने व्यथित हो गए हैं कि इन महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविशील्ड और फाइजर कोविड-19 टीके की दो खुराक सार्स सीओवी-2 वायरस के डेल्टा संस्करण से होने वाली मौतों को रोकने में 90% प्रभावी बताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 अक्टूबर तक समाप्त हो सकता है। उसी दिन उत्तर पूर्वी मानसून के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में सक्रिय होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून ज्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार की सुबह उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शाह ने करीब 2 घंटे सुबह 9:45 से दोपहर 12:30 तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। गृह मंत्री अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, रुद्रपुर और हल्द्वानी का हवाई सर्वेक्षण किया। केरल में स्कूल कॉलेज को फिर से खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसे 25 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण ये फैसला लिया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा है कि हम जब समाजवादी पार्टी में थे तो पार्टी बुलंदियों पर थी। कितनी बार सरकार बनी, नेता जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। अगर समाजवादी और अखिलेश मेरे साथ मिलकर काम किए होते तो आज समाजवादी पार्टी देश में नंबर 1 की पार्टी होती या नंबर 2 पर होती और भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं होती। मेरे रहने से फर्क पड़ता और देश में सपा की 4 प्रदेशों में सरकार होती। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50% से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। इसको लेकर अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें गुरुवार को देश भर में अपने उच्चतम स्तर पर देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन ईंधन की दरों में अब तक की सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ 45 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। देश में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़ाकर 106.50 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 45 पैसे बढ़ाकर 95.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगी कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अब पार्टी का मोर्चा तेजी से संभाल लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र से पहले छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है।
भारत ने गुरुवार को 18,454 ताजा कोविड मामले दर्ज किए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 160 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रिकवरी रेट 98.15% पर बनी हुई है। नए 160 लोगों के साथ जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,52,811 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 17,561 मरीजों के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,34,95,808 पर पहुंच गई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों को हटाने की मांग वाली सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत टिप्पणी की। किसानों द्वारा हाईवे जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल तक के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी घड़ी बेचे जाने को लेकर निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि विदेश यात्रा के दौरान उपहार स्वरूप मिली बेशकीमती घड़ी को उन्होंने बेच दिया है। इस घड़ी की कीमत 10 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। झारखंड सरकार ने दो वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को पुलिस महानिदेशक रैंक में प्रमोशन देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। जिन दो अधिकारियों को इस रैंक में प्रमोशन किया जाना है उनमें 1990 बैच के आईपीएस अनिल पाल्टा और 1991 बैच के ए नटराजन का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस इस बात पर है कि यूपी को कैसे एयर कनेक्टिविटी का एक हब बनाया जाए और इसीलिए लगातार प्रदेश के कई शहरों में एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात दी है। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरी आधिकारिक बैठक में तालिबान ने एक बड़ा दावा किया है। तालिबान ने कहा है कि भारत ने उन्हें मानवीय सहायता देने की पेशकश की है। इस बात की जानकारी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट के जरिए साझा की है। फिलहाल भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए दो दिग्गज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर मौद्रिक जुर्माना ठोक दिया है। आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही हर साल ऑपरेशन की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 27.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा है कि विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 जीतने की प्रबल संभावना है। इंजमाम ने कहा है कि भारत के पास यूएई और ओमान की परिस्थितियों के कारण ट्रॉफी उठाने का अधिक मौका है। आईआईटी गांधीनगर 23 अक्टूबर 2021 को शाम 6 बजे संभावित बीटेक छात्रों के लिए एक लाइव जेईई ओपन हाउस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वर्चुअल इंटरैक्टिव इवेंट का उद्देश्य जेईई योग्य छात्रों और उनके माता पिता को आईआईटी में विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं विभिन्न कैरियर के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन कराना है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए विश्वभर में टीकाकरण बड़ी जोरों शोरों से जारी है। वहीं अमेरिका ने कोरोना के बूस्टर डोज के लिए मिक्स एंड मैच वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दरअसल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 बूस्टर खुराक को अधिकृत किया है और वर्तमान में उपलब्ध स्वीकृत कोविड-19 टीकों के लिए मिक्स एंड मैच बूस्टर खुराक को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की लॉजिस्टिक्स नीति के चलते ग्रेटर नोएडा में 7,725 करोड़ के निवेश से बनने वाला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आने वाले समय में यूपी के विकास की नई इबारत लिखेगा। इसकी वजह है देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाना। एयर इंडिया को वापस पटरी पर लाने के लिए टाटा को मशक्कत करनी पड़ेगी। जरूरत इसकी है कि लंबी दूरी की उड़ानों को और सरल बनाया जाए। 70 साल तक सरकारी प्रबंधन के कुप्रबंधन के बाद एयर इंडिया वापस टाटा समूह को बेच दी गई है, लेकिन एयर इंडिया को वापस पटरी पर लाने के लिए टाटा को मशक्कत करनी पड़ेगी। शुरुआती सौदे में 30 शेयरों वाला सूचकांक 265.84 अंक या 0.43% बढ़कर 61,525.80 पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निफ्टी 93.45 अंक या 0.51% की तेजी के साथ 18,360.05 पर था। सेंसेक्स में सनफार्मा लगभग 2% की तेजी के साथ शीर्ष पर थी। इसके बाद पावरग्रिड, एनटीपीसी, एचडीएफसी, कोटक बैंक और एमएंडएम के शेयरों का स्थान रहा। ब्रिटेन की एक अदालत 14 दिसंबर को भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग 2 अरब डॉलर 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई मीडिया कंपनी और सोशल मीडिया साइट की शुरुआत की घोषणा की है। ट्रंप ने इसका नाम ट्रुथ रखा है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में राजधानी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल में हुए उत्पात के बाद ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर रोक लगा दी थी।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संदीप, लकी शॉर्ट्स, राजेश सोंथियाल, महेश दास, मंटू कुमार वर्मा, सनी कुमार, नुनू कुमार, अखिलेश यादव, रविशंकर, सोनू पासवान, अनिल कुमार, श्याम नंदन कुमार, बलराम भगत, भगवान मिश्रा, ऋतु रानी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं देने का कोर्ट का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।